नमस्कार, घर का खाना सेहत का खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ आलू चना तरीदार सब्जी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। काले चने में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए हमें किसी न किसी रूप में इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए चने आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। चने आलू की सब्जी को बनाने के लिए हम ले रहे हैं काले चने करीब 300 ग्राम। चनों को साफ करके अच्छे से धोकर और रात भर के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह चनों में से पानी निकाल कर इसे एक बार धोकर एक कटोरी में रख लें। इस तरह से हमने चने को रात भर पानी में भिगो कर रखा था और इसका पानी निकाल कर चने को एक बार धोकर एक कटोरी में रख लिया है। और हमें चाहिए आलू आधा किलो। हमने आलू के छिलकों को निकाल कर आलू को धोकर एक कटोरी में रख लिया है। और अब हम लेंगे एक कुकर, इसमें डालेंगे भीगे हुए चने और अब डालेंगे करीब 3 गिलास पानी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हम सोडा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि बिना सोडा चने अच्छे से पक जाते हैं। और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढककर उबलने के लिए रख देंगे और करीब 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। कुकर में 2 सीटी आ चुकी है। कुकर खुलने के बाद और अब हम लेंगे एक पतीला और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। ये देखिए तेल का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तेल में धुआं भी आ गया, इसका मतलब तेल पक गया है। और अब हम डालेंगे इसमें एक चुटकी हींग, गैस की आंच को कम कर लेंगे। और अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जीरे को कुछ सेकेंड्स भुनने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 2 बारीक कटे मीडियम साइज प्याज। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है और अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट। लहसुन को एक बार अच्छे से चला लेंगे। और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। लहसुन भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक और चलाते हुए इसे भी कुछ सेकंड तक भून लेंगे। अदरक भी भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे 4 बारीक कटे टमाटर, 4 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे नमक 1/2 चम्मच स्वाद अनुसार। ध्यान रहे नमक हमने चने उबालते वक्त भी डाला था। और अब डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और एक बार मसालों को चलाकर
ढककर कम आंच में मसालों को 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। दो मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, मसाले अच्छे से पक गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए चने। और अब इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। चने मसालों में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम डालेंगे इसमें उबले हुए आलू के टुकड़े और इन्हें भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर कम आंच में 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। चने आलू अच्छे से भून गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए चने आलू का पानी। आप चने आलू को जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और ढककर मीडियम आंच में 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में एक बार चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं चने में उबाल आना शुरू हो गया है। इसको एक बार घुमा लेते हैं और फिर से ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। हमारे आलू चने बन गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम गैस को बंद कर देंगे, गैस बंद कर दी है और अब इसे कटोरी में निकाल देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज आलू चने की तैदा सब्जी बनी है। और अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। आप रोटी, नान, चावल किसी के भी साथ इस लजीज चने आलू की सब्जी का लुत्फ ले सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारे आलू चने की तैदा सब्जी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने कमेंट हमें जरूर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बनाइए और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार।